बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर से खबर सामने आई है, जहां एक 26 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरा मामला जनपद के साहेबगंज थाना क्षेत्र के नावा नगर निजामत गांव का बताया जा रहा है, जहां 26 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम कन्हैया राम बताया जा रहा है। घटना के बाद से क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। वहीं लोगों के द्वारा आनन फानन में घायल युवक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर लोगों ने मामले की सूचना साहेबगंज थाने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के बाद से लोगों के बीच आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नाम है आपका? रविंदर राम। घर कहाँ है? नवा नगर। ये जो गोली लगाए कौन है आपका? लड़का। कैसे गोली लगाए? हम तो घर में ना। आप कहाँ थे? हम खेत में गए। उसके आपको क्या जानकारी मिली है, कब मिली है, किसके माध्यम से? घर में आया। कौन आया है? बिजुआ। कहाँ का है बिरज? बिजू अपने आदमी है, उनके परिवार वाला। अच्छा, बदबू बदबू कर रखा गोली मार। आप ही घर में आया है? हाँ। पहले से कुछ विवाद भी है? सुन, सब फाइनेंशियल में रहल है, बराता रह ही बिरज फाइनेंस में काम करता है। हाँ, किनके साथ काम? अर्जुन राय। अर्जुन राय के फाइनेंस में काम करता है। और आपका लड़का फाइनेंस में भी करता है? ना, नहीं। आपका लड़का क्या करता था? मजदूरी कर ले। सुनैना देवी, घर कहाँ पर? नावा नगर। क्या भेल मामला, कैसे क्या भेल? कौन के लखा? नाम बताओ। नाम अच्छा, अब लड़के ने के बाबू हमर खेलवे क्या कलक है जो गोली है पर मार देलक बाबू के। अरे वो समय घर रहनी है, सामने में मरलक है? हाँ, सामने में। अभी वो खून मार बाबू के। अच्छा, पहले से कोई विवाद भी है? पहले से कोई विवाद भी है? झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, कोई लेन देन का विवाद या जमीन विवाद? ऐसा ऐसा जमीन कुछ मामला नहीं है। एक बैग की तरह की हत्या हुआ है। आपका लड़का क्या करता था? मजदूरी में काम। मजदूरी कमाई तो जो मारता है, मारा है, उन्होंने क्या किया है, वो क्या करते हैं? नहीं जो मलवा बेटा के गाड़ी के फाइनेंशियल में रहता है। अच्छा, किन के फाइनेंशियल में रहता है?